काफी इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली, जो बीजेपी के मुस्लिम चेहरे हैं। इन्हें विधान परिषद के जरिए बीजेपी ने बिहार विधानमंडल का सदस्य बनाया है। वो साल 1999, 2006 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 में उन्हें भागलपुर से हार का सामना करना पड़ा था। उनकी सीमांचल और कोसी इलाके में अच्छी पकड़ है, केंद्र की राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं। एक दौर में मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट से जीतकर शाहनवाज हुसैन ने अटल सरकार में देश में सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया था और बीजेपी के मुस्लिम चेहरा बन गए थे। उन्होंने दिल्ली की डीटीसी बस से चढ़कर साउथ ब्लॉक तक का सफर तय किया। बिहार के सुपौल में हुआ जन्म। शाहनवाज हुसैन का जन्म 1968 में बिहार के सुपौल में एक छोटे से गांव समस्तीपुर में हुआ था। उन्होंने पटना और दिल्ली से अपनी पढ़ाई की। उनके पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। शाहनवाज का सपना बचपन से ही राजनीति में आने का था। हालांकि उनके घर में किसी का राजनीति से कोई नाता नहीं था, लेकिन बचपन का सपना पूरा करने के लिए शाहनवाज ने अपनी जान लगा दी। शाहनवाज को दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखने वाली रेणु से प्यार हो गया और बाद में उनसे शादी कर ली। उनके दो बच्चे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी तारीफ। 1997 में एक कार्यक्रम के दौरान शाहनवाज हुसैन का भाषण सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है, अगर संसद में पहुंचेगा तो अहम भूमिका निभा सकता है। 1998 के लोकसभा चुनाव में जब शाहनवाज हुसैन से पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ोगे, तो उन्होंने मजाक समझकर कहा कि जो सबसे मुश्किल सीट हो हमें दे दीजिए, और उन्हें किशनगंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया। पहली बार तस्लीमुद्दीन को हराया। शाहनवाज हुसैन को जब किशनगंज से आरजेडी उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि तस्लीमुद्दीन ताकतवर नेता थे। पहले चुनाव शाहनवाज तो हार गए, लेकिन पहले ही चुनाव में करीब 2.5 लाख वोट पाकर उनका हौसला बुलंद हो गया। 1999 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो शाहनवाज किशनगंज सीट से ही चुनाव लड़े और तस्लीमुद्दीन के तिलिस्म को तोड़ते हुए जीत दर्ज की और एनडीए सरकार में राज्य मंत्री बने। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स जैसे विभाग उनके पास रहे। 2001 में उन्हें कोयला मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया और सितंबर 2001 में नागरिक उड्डयन पोर्टफोलियो के साथ एक कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया। शाहनवाज ने 2003 से 2004 तक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कपड़ा मंत्रालय संभाला। भागलपुर से जीतकर पहुंचे लोकसभा। 2004 के आम चुनाव में हार के बाद शाहनवाज 2006 में उपचुनाव में भागलपुर सीट से जीतकर दोबारा लोकसभा पहुंचे। 2009 में भागलपुर से शाहनवाज को दोबारा जीत मिली और एक बार फिर वो लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, ऐसे वक्त पर शाहनवाज हुसैन को हार का सामना करना पड़ा और वो मात्र 4000 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा और अब उन्हें बिहार में पार्टी अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। बिहार की राजनीति में शाहनवाज की एंट्री। दरअसल विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर कोई भी मुस्लिम जीत नहीं सका था। ऐसे में बीजेपी में किसी अल्पसंख्यक चेहरे को आगे करने की रणनीति पर मंथन चल रहा था। पहले पार्टी ने राज्य स्तरीय नेता को ही आगे लाने की योजना बनाई, पर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा जो बीजेपी के लिए असरदार साबित हो सके। ऐसे में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को ही प्रदेश की राजनीति में उतारने का फैसला किया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि वह बिहार के विकास के लिए क्या क्या करते हैं और उनके आने से बीजेपी को कितना फायदा पहुँचता है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।